क्या हो रही है? पढ़ाई हो गई तेरी? वो आजी वो जब देखो जब टीवी और मोबाइल में लगी रहती है, एग्जाम सिर पर है, तू कोई टॉपर तो है नहीं, सिर्फ पास होने लायक तेरे नंबर आते हैं। इस बार तो वो भी मत लाना, हमारे खानदान की तो पहली लड़की है जो फेल होगी। बुआ जी मैंने बहुत पढ़ाई की है, अब एक इसकी पूरी तैयारी कर ली मैंने, तो मैंने सोचा। बड़ी समझदार है तू, तुझे सोचने की नहीं तुझे पढ़ाई करने की जरूरत है। अपने पापा को देखा है कभी तूने? कितने टॉपर है वो, तू डिसाइड कर कि अपने पापा की तरह टॉपर बनना है या जिंदगी भर फेलियर बन के रहना है। नहीं बुआ जी, मैं पढ़ाई करूंगी, मैं इस कंपटीशन में फर्स्ट आके दिखाऊंगी। देखते हैं, तेरे पापा को तो ह्यूमन कंप्यूटर कहा जाता है, इतने सारे अवार्ड मिले उन्हें, अब तू डिसाइड कर कि तेरे पापा की तरह तुझे टॉपर बनना है या अपनी मरी हुई माँ की तरह फेलियर। फेलियर नहीं थी मॉम, और ना ही मैं हूं। मैं आपकी और पापा की तरह ये कंपटीशन जीत कर रहूंगी। मैं बनूंगी अपने पापा की तरह रबर, बन के दिखाऊंगी तो पापा की तरह मैं भी टॉपर हूँ। आप हमेशा से मेरी टॉपर हो बेटा। मैं सो गई थी क्या? कल कंपटीशन है, मुझे बहुत सारी तैयारी करना अभी बाकी है, मैं कैसे सो गई? हाँ बेटा, आई नो आपने ऑलरेडी तैयारी कर ली होगी, नींद लेना भी तो इम्पोर्टेंट है ना, कल एग्जाम में नींद आ गई तो। आपने खाना खाया? यस सर। कल जब आप अपनी ट्रॉफी जीत के आओगे ना तो हम दोनों साथ में सेलिब्रेट करेंगे, ओके? डैडा। बट कुछ नहीं बेटा, मैं कुछ नहीं सुनने वाला, और कल मैं आपको सुबह जल्दी उठा दूंगा, ओके? टेक रेस्ट, कम। गुड नाइट डैडा। गुड नाइट बेटा। अच्छा सुन, मुझे घर आने में थोड़ी देर हो जाएगी, बट बुआ जी घर पे होंगे, ओके? दादा, आप टेस्ट चालू रखो ना प्लीज। ओके। 2,354 × 765 810. You are gonna rock. Yes, fingers crossed. I really hope I win. Yes, you will. Now let us pack the bag. Take it. Come on. Let's do it. Yes. Come on. क्या हुआ, फेल हो गई क्या? बुआ जी, वो मैंने पूरी तैयारी की थी, लेकिन मुझे नहीं पता वहाँ क्या हुआ, मैं पूरी ब्लैंक आउट हो गई, मुझे कुछ समझ नहीं आया। ये
सर्टिफिकेट, सेकंड या थर्ड प्राइज भी नहीं मिला तुझे। पता था मुझे ऐसा ही होगा, सारा दिन मोबाइल में जो ध्यान रहता है इसका। अरे इन बच्चों को क्या पता कि कितनी मेहनत करके हम आगे आए हैं। अगर इलेक्ट्रिसिटी चली गई ना तो मोमबत्ती जलाकर पढ़ाई किया करते थे। तेरे पापा इतनी मेहनत करके आगे आए हैं, तेरी तरह मोबाइल पर ध्यान नहीं रहता था उनका। अब मेरे बेटे मोंटू को ही देख ले, पिछले साल टॉप किया उसने इसी कॉम्पिटिशन में, और तू तू नालायक निकली, फेलियर है तू, फेलियर। दीदी अच्छा हुआ तू आ गया, तूने ना इसे सिर पे चढ़ा रखा है, देख क्या किया इसने, फेल होकर आई है तेरी बेटी। तो क्या बुरा है फेल होने में? अच्छा तो फेल होना अच्छी बात है क्या? दीदी वो एक्चुअली जीजा जी का कॉल आया, पूछ रहे थे आप वापस कब आ रहे हो, और मोंटू के एग्जाम्स है ना, आप उसे जाकर पढ़ा दीजिए, मैं आरुषि से बात करता हूं। ठीक है, सब समझ में आ रहा है मुझे जो तू मुझे समझाना चाहता है ना, पर मेरी एक बात याद रखना, बच्चों पर जब तक प्रेशर नहीं डालेगा ना वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आगे तेरी मर्जी, तेरी बेटी है, बना इसे फेलियर, मेरा क्या है, मैं तो अपने बेटे को बना पाऊंगा। I'm so sorry, Papa. I've let you down. I failed. I'm a big failure. No. You are not a failure. बेटा फेलियर वो नहीं होता जो हारता है। मतलब बेटा फेलियर वो होता है जो कोशिश नहीं करता, और आपने तो बहुत कोशिश की। पर डैडा आप तो हमेशा कितनी सारी ट्रॉफीज जीतते हो, हमेशा फर्स्ट आते हो। क्या ये आपको किसने कह दिया कि मैं हमेशा फर्स्ट आता हूं? पर आप तो एक मिनट, जस्ट वन मिनट, मैं तो बहुत बार फेल हुआ हूं, अच्छे मार्क्स तो तुम्हारी मम्मा के आते थे, शी वॉज द टॉपर, मैथ्स में तो मुझसे भी तेज, और आपके होने के बाद वो तो सारा टाइम आपके साथ बिताना चाहती थी, मुझसे कहा आप ट्रॉफी जीतो, मेरी ट्रॉफी तो मेरी आरुषि। फिर वो बीमार हो गई, और उनके जाने के बाद मैंने ठान ली कि मेरी हर ट्रॉफी आपके और आपके मॉम के नाम होगी। पर बेटा ट्रॉफीज जीतना इतना आसान नहीं था, मैं बहुत बार फेल हुआ, पर मैंने कभी गिव अप नहीं किया। बेटा एक बात हमेशा याद रखो, जब तक गिरोगे नहीं स्टार्स नहीं दिखेंगे। फेलियर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ, फेलियर टीचेस यू टू लर्न मोर, ट्राई मोर,
पता है आपको, जब थॉमस एडिसन ने लाइट बल्ब इन्वेंट किया था ना, तो उन्हें 1000 ट्राइज लगे थे। सोचो अगर वो अपने पहले ट्राई में गिवअप कर देते तो। सो बेटा, नेवर बी अफ्रेड ऑफ योर फेलियर्स, बी अफ्रेड टू गिव अप। यू आर राइट डैडा, आई वोंट गिव अप, मैं फिर से ट्राई करूंगी। आई एम नॉट अ फेल, बस माइनर सेटबैक है। ये हुई ना बात, अब आपकी इस ट्राई के लिए आइसक्रीम पार्टी तो बनती है ना। यस यस, मैंने तो सबक सीख लिया कि फेल होने को फेलियर नहीं कहते। और आपको पता है इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है कंटेंट का कीड़ा। यस, कंटेंट का कीड़ा ने ये चैनल 7 फेब 2020 को शुरू किया था और नवंबर 2020 तक उनके पास सिर्फ 3000 सब्सक्राइबर्स थे। बट उन्होंने गिव अप नहीं किया, वो मेहनत करते रहे और आपके लिए हर थर्सडे वीडियोस लाते रहे। सोचिए अगर उन्होंने तब गिव अप कर दिया होता तो आज हम में से कोई भी इतनी अच्छी अच्छी कहानियां नहीं देख पाता। तो आप प्लीज उन्हें सपोर्ट कीजिए, उनकी मेहनत फ्री नहीं बट वो लाल सब्सक्राइब वाला बटन फ्री है। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर फॉर कंटेंट का कीड़ा। कर दो सब्सक्राइब।